ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 2/11/1967। रिकॉर्ड चला है दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाने वाला भी रूहानी बाप है और रूहानी बाप की बातों को समझने वाले भी रूहानी बच्चे हैं। जो जिस्मानी स्टेज में बैठने वाले बच्चे हैं वो बाप की बातों को नहीं समझ पाते। भारत खास और दुनिया आम सभी विश्व में शांति चाहते हैं। अब ये तो समझना चाहिए जरूर, विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन कर सकता है। और कोई विश्व में शांति स्थापन कैसे करेगा? गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर के विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारें? वो भी विचारों को पता नहीं है। अब सारी विश्व की बात है ना, विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है, जहां बाप और आत्माएं रहती है। और ये बात भी बेहद का बाप ही समझाते हैं कि आत्माओं का देश अलग है। विश्व सारी दुनिया को कहा जाता है। अब ऐसे दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं और अनेक धर्म हैं। कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो जाए। अब सभी धर्म तो मिलकर एक नहीं हो सकते। त्रिमूर्ति की भी महिमा है। त्रिमूर्ति का चित्र बहुत करके रखते हैं। ये भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। परंतु किसकी स्थापना? सिर्फ शांति की स्थापना थोड़ी ही होगी। शांति और सुख की स्थापना होती है। इस भारत में ही 5,000 वर्ष पहले जब इनका राज्य था तो जरूर बाकी सब जीवात्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होंगी। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा हो। अब तुम ही जानते हो, बाप सुख शांति संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं और बाप के लिए ये कोई नई बात नहीं है। अनेक बार एक राज्य की स्थापना हुई है, फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा होता है, फिर बाप को आना पड़ता है। अभी तुम बच्चे तो सन्मुख बैठे सुन रहे हो और बच्चे भी सुनेंगे। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे सुन रहे हैं।
तो अपन को आत्मा समझना है, आत्मा ही सुनती है पढ़ती है, आत्मा में संस्कार है। हम आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में बड़ी मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा हम अपन को आत्मा समझना घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं ये भूल भुलैया का खेल है, इस खेल में तुम जैसे फंस गए हो, पता नहीं है हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे जावेंगे। अभी बाप ने समझाया है, तुम समझते हो आगे हम कुछ नहीं जानते थे, कहां से आए हैं, कैसे पाठ बजाते हैं, फिर वापस कैसे जावेंगे, कुछ भी पता नहीं। पत्थर बुद्धि थे ना, आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का गायन भारत में ही करते हैं। पत्थर बुद्धि राजाएं और पारस बुद्धि राजाएं यहां ही बनते हैं। पारसनाथ का मंदिर भी है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं कहां से आए हैं पाठ बजाने के लिए, आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे, जैसे जानवर बुद्धि थे। इनको कहते ही हैं कांटों का जंगल, और ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचे को आग लगे ऐसा कब सुना नहीं है। फूलों के बगीचे को आग क्यों नहीं लगती, कांटों के सूखे जंगल को ही आग क्यों लगती है। क्योंकि फूलों के बगीचे में पानी होता है, सिंचाई होती है, तो जहां ज्ञान जल होता है वहां आग नहीं लग सकती। और जिनकी बुद्धियों में ज्ञान ठहरता ही नहीं, तत्ते तवे मिसल, ज्ञान सूख जाता है, उनमें आग लग जाती है। ये दुनिया का भी हाल ऐसा ही है। अभी सारी दुनिया कांटों का जंगल बन पड़ी है। तो हमेशा जंगल को आग लगती है, और बहुत बड़ी आग लगती है। ये दुनिया जंगल है और ये जंगल जहां जहां सूखा पड़ा है, ज्ञान जल को धारण नहीं करता, वहां आग जरूर लगनी है। भंभोर को आग लगेगी जरूर। इस सारी दुनिया को भंभोर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है कि बाप ज्ञान का सागर है, इसलिए तुम सन्मुख बैठे हो। और जिन्होंने नहीं जाना है वो सन्मुख नहीं आवेंगे। तुम्हारे लिए गायन है, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से पढ़ूं। और अभी ये सब कुछ हो रहा है,
भगवान वाच भी जरूर बच्चों के प्रति ही होगा, तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं, और भगवान तो निराकार शिव को ही कहेंगे। अगर शिव निराकारी स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता है तो कोई पहचान भी नहीं सकता है, शिव की पूजा भी यहां ही होती है। पूजा का आधार होती है प्योरिटी, उस भगवान को एवर प्योर कहा जाता है। जरूर एवर प्योरिटी की कोई एक्ट की होगी तब दुनिया ने उसको माना है। भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते हैं, सतयुग में पूजा आदि होती नहीं है, वहां तो स्वयं ही पूज्य होते हैं। तो बाप ने समझाया है ये सब खेल है, इस खेल की आयु 5000 वर्ष है। तुम समझाते हो कि अब सतयुग की फिर से स्थापना हो रही है, और ये झूठ खंड के बम्बोर को आग लगने वाली है। इस झूठी कलयुगी दुनिया की आयु पूरी होती है, क्योंकि इस दुनिया के मनुष्य घोर अंधियारे में है। इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं, कह देते हैं कलयुग की आयु तो लाखों वर्ष है। अब ये अज्ञान ही घोर अंधियारा है, भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। तब ही भक्त भगवान को याद करते हैं। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है, वहां को याद भी नहीं करते हैं। भक्तों को ही सतयुग की राजधानी का फल मिलता है, तुम समझते हो कि हमने सबसे जास्ती भक्ति की है। जिनकी जिनकी भक्ति पूरी होती जाती है उनको भगवान की उपलब्धि होती जाती, भगवान मिलता है तो ज्ञान मिलता है, ज्ञान से गति सदगति होती है। इसलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए हैं, फिर हम ही राजधानी में जावेंगे। तो तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि नई दुनिया में उच्च पद पाना है। बच्चों की दिल होती है हम जल्दी जल्दी अपने घर जावेंगे, और हमारा घर होगा ही नई दुनिया में। फिर घर भी पुराना होता जाएगा, क्योंकि घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी। पुत्र परपोत्रे तरपोत्रे वो तो पुराने ही समझे जाएंगे। तुम तो हो सारी दुनिया के पूर्वज, ये सारी दुनिया तुम्हारे ही पुत्र पोत्रे परपोत्रे तरपोत्रे बनते हैं। 2/11/67 की वाणी का दूसरा पोज कहेंगे, हमारे दादा ने परदादा का ये मकान बनाया हुआ है, पीछे आने वाले तो बहुत होते जाते हैं,
जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो वो पहले पहले नए घर में आवेंगे। पुरुषार्थ की युक्ति बाप बहुत सहज समझाते हैं, भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं। बहुत भक्ति करने वालों का ही नाम बाला होता है। कई ऐसे भी भक्त होते हैं जिनकी स्टाम्प निकालते हैं। इस ज्ञान की माला का तो कोई को पता ही नहीं है। पहले होता है ज्ञान, पीछे होती है भक्ति। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय ज्ञान होता है, जिसकी प्रारब्ध चलती है सत्युग त्रेता में। अभी तुम बच्चे नॉलेज फुल बनते हो, टीचर के पास नॉलेज तो होती है और टीचर हमेशा फुल नॉलेज वाले होते हैं। स्टूडेंट में नंबर वार मार्क्स उठाते हैं, टीचर के पास तो फुल नॉलेज है। और यहां तो है बेहद का टीचर, तुम भी हो बेहद के स्टूडेंट, तो जरूर नंबर वार ही पास होंगे। जैसे कल पहले पास हुए हैं वैसे ही होंगे। बाप समझाते हैं कि तुमने ही 84 जन्म लिए हैं, औरों ने पूरे 84 जन्म नहीं लिए हैं। पढ़ाई तो पढ़ते हैं परंतु सब 84 जन्म नहीं लेते, और धर्मों में कन्वर्ट होते जाते हैं। 84 जन्मों में जरूर 84 फीचर्स होंगे, पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। जन्म लेते लेते नीचे उतरते आते हो, पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी दुनिया तमो प्रधान होती जाती है। दुनिया तमो प्रधान होती है तो मनुष्य भी तमो प्रधान। अभी तुम इस षष्ठी चक्र को जान गए हो। ये झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता है और नए पत्ते बहुत अच्छे होते हैं। और ये तो है बेहद का झाड़, इसमें अभी ढेर धर्म है। तो तुम्हारी बुद्धि अब बेहद की तरफ जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, बाद में फिर वैरायटी धर्म आवेंगे। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए हैं। और वो तुम्हारे जन्म भी अविनाशी हैं। तुम जानते हो कल्प कल्प हम 84 का चक्र फिराते हैं। 84 के चक्र में हम ही आते हैं। वास्तव में 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती है, वो तो वैरायटी जानवर हैं। जो 84 लाख योनियों में से अलग अलग योनि के हैं उनकी तो कोई गिनती भी नहीं कर सकता। मनुष्य की आत्मा ने सिर्फ 84 जन्म लिए हैं, तो भी पार्ट बजाते बजाते एकदम जैसे कि थक गए। 84 जन्मों में ही इतने थक जाते हैं। अगर 84 लाख जन्म लें तो क्या हालत होगी।
अभी देखो कितने दुखी बन गए हो। सीढ़ी उतरते सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बन गए। बाप फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते। बाप कहते हैं मैं तमो प्रधान शरीर लेता हूं और तमो प्रधान दुनिया में आता हूं। अभी सारी तमो प्रधान दुनिया है। मनुष्य तो सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं सारे विश्व में शांति कैसे हो। समझते नहीं है कि विश्व में शांति कब थी। बाप कहते हैं तुम्हारे घर में तो चित्र रखे हुए हैं, जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी। कोई इनके राज्य में अशांत नहीं होता था, कोई भी दुखी नहीं था। कोई भी इनकी ग्लानि नहीं करता है। ये इस बात का प्रमाण है कि भक्ति मार्ग में सब देवताओं की ग्लानि की है, परंतु लक्ष्मी नारायण की शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं है। उनके राज्य को 100% स्वर्ग कहा जाता है। सब स्वस्थिति धारण करने वाले थे, यथा राजा तथा प्रजा थी। उस नई दुनिया को ही हेवन गोल्डन एज कहा जाता है। अभी तो ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है, बदलती रहती है। ये राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में सुख शांति स्थापन हो रही है। राजधानी स्थापन होगी तो राजधानी स्थापना में मुख्य पार्ट बजाने वाला कौन होगा? दुनिया में सुख शांति स्थापन होगी, सुख शांति का राज्य स्थापन होगा तो उसमें मुख्य पार्टधारी कौन होगा? जरूर ये लक्ष्मी नारायण ही होंगे। विश्व में राज्य तो इनका ही था ना। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं। भक्ति मार्ग में कितना उनका भव्य मंदिर बनाते हैं और देवताओं के छोटे मोटे मंदिर बनावेंगे। लक्ष्मी नारायण का बड़ा भव्य मंदिर बनाया जाता है। यादगार कहाँ की है? ये थोड़े ही किसी की बुद्धि में है। ये सारे भारत के मालिक थे, इनके राज्य में जरूर सुख शांति होगी। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था। ये सारा चक्कर ही 5000 वर्ष का है। आधा कल्प के बाद दुनिया पुरानी कही जाती है। इसलिए जो धंधे धोरी वाले लोग होते हैं वो अपनी दुकान में स्वास्तिका रखते हैं, चौपड़ी में स्वास्तिका का चित्र बनाते हैं। इनका भी राज है ना। उस स्वास्तिका को गणेश कह देते हैं और गणेश को देवता समझते हैं। गण माना ही देवता, ईश माने उनका स्वामी।
तो देवताओं में मुख्य देवता कौन हुआ? जो 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम गाया जाता है, अब जो गणेश का चित्र बनाते हैं वो कोई देवता थोड़े ही है। गणेश के चित्र में चार भाग पूरे दिखाते हैं, एक तरफ एक भुजा, दूसरी तरफ दूसरी भुजा, बैठक भी ऐसी दिखाई है जैसे चार युगों की चार भुजाएं हो। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, अपन को ऐसा 84 का चक्कर लगाने वाली आत्मा समझो, आत्मा समझ करके सुन रहे हो ना? अपन को आत्मा समझ करके सुनेंगे तो खुशी होगी, बुद्धि में रहेगा कि ये बातें बाप बैठ हमको समझाते हैं। भगवान वाच भी है और भगवान तो एक ही निराकार होता है, कृष्ण को भगवान थोड़े ही कहेंगे। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा अगर भगवान होता तो ब्रह्मा के चित्र होने चाहिए, मूर्ति होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए, मंदिर होने चाहिए, परंतु ब्रह्मा के तो चित्र मंदिर पूजा आदि नहीं होती है। हाँ, वो ही ब्रह्मा की आत्मा जब भगवान से बैठ पढ़ाई पड़ती है, बल सूक्ष्म चोले से पड़ती है, तो सतयुग के आदि में पहले पत्ते के रूप में, पहले देवता के रूप में जन्म लेती है। परंतु नर से नारायण डायरेक्ट नहीं बनती, नर से प्रिंस बनना पड़ता है। नारायण से जन्म लेकर तब सतयुगी राजधानी मिलती है, भगवान से डायरेक्ट प्राप्ति नहीं होती। तो वहां से पहली भुजा की शुरुआत होती है। त्रेता में जैसे दूसरी भुजा, चार युगों का चक्र गणेश के चित्र में दिखाया हुआ है, वो देवताओं का स्वामी कहा जाता है। तो देवता ही होगा ना, उन देवताओं को जन्म देने वाला कौन हुआ? देवताओं से भी ऊंच कौन हुआ? देवताओं से ऊंच हुआ भगवान। गणेश है मुखिया, जरूर भगवान आकर के शरीर लेता है, तब भगवान वाच कहा जाता है। परंतु ये बात भी किसी को पता नहीं है, नहीं पता है तो भक्ति मार्ग में भी नेति नेति करते रहते हैं, कहते हैं वो परमपिता है। फिर पूछा जाता है वो कौन है,
तो कहते हम नहीं जानते, कहते हैं शिव बाबा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, परंतु विष्णु को कब बाबा कहते सुना? प्रजापिता तो बाबा ठहरा ना, और तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। परंतु लोग प्रजापिता नाम न होने से समझते नहीं है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पहले प्रजापिता शब्द जरूर डालना है। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो उनको जन्म देने वाला बाप भी होगा, सिर्फ मां से बच्चे का जन्म थोड़ा ही होता है, मां से पहले बाप भी चाहिए, बाप बीज कहा जाता है, माता धरणी कही जाती है, धारणा करने योग्य होती है। इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो, बाप का नाम न डालने से कोई को विश्वास नहीं होगा, अच्छा नहीं मानेंगे। प्रजापिता अक्षर डालने से समझेंगे कि इनका बाप भी जरूर है, नई सृष्टि जरूर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रची जाती है। अगर ब्रह्मा द्वारा ही नई सृष्टि रची गई होती तो शिवालय बनेगा या वैश्यालय बनेगा है? सिर्फ ब्रह्मा द्वारा ही नई सृष्टि रची जाए तो शिवालय बनेगा या वैश्यालय बनेगा? माँ के ऊपर बाप भी जरूर चाहिए, पहले है ही प्रवृत्ति मार्ग की सृष्टि, बाद में होती है निवृत्ति मार्ग की सृष्टि। निवृत्ति मार्ग है वैश्यालय और प्रवृत्ति मार्ग है शिवालय। हम सब आत्माएं बाप के बच्चे भाई बहन हैं, पहले तो भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण करके भाई बहन बनते हैं। बाप के बच्चे तो अविनाशी हैं, अविनाशी कैसे हैं? क्योंकि 83 जन्म 82 जन्म या कम जन्म लेने वाले नहीं है। कितने जन्मों का चक्कर लगाते हैं? ऑलराउंड पार्टधारी है, इसलिए अविनाशी बच्चे हैं। बच्चे भी प्रवृत्ति मार्ग वाले और बाप भी प्रवृत्ति मार्ग वाला। साकारी भाई बहन चाहिए तो उनका सरपरस्त है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा अनेकों के नाम हो सकते हैं परंतु प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ एक ही होता है। नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, हम उनकी औलाद हैं, परंतु ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते हैं। याद किसको किया जाता है?
रावण को कोई याद करता है क्या? क्यों नहीं याद करता है? जिससे दुख मिलता है उसको कोई याद नहीं करना चाहता, और जिससे सुख मिलता है उसे सब याद करते हैं। एक परमपिता परमात्मा को सब धर्म वाले याद करते हैं, भले पहचानते नहीं है। जरूर सुख दिया होगा, ब्रह्मा को याद क्यों नहीं करते? शूटिंग पीरियड से इस बात का क्या कनेक्शन है? जो ब्रह्मा को याद नहीं करते, प्रजापिता को याद करते हैं। शूटिंग पीरियड में ब्रह्मा से कोई प्राप्ति हुई? ब्रह्मा से कोई प्राप्ति नहीं होती। प्रजापिता ब्रह्मा से सबको, सारी दुनिया को प्राप्ति होती है। याद लौकिक को ही करते हैं, परंतु पारलौकिक बाप के बगैर वो लौकिक दुनिया भी सात्विक नहीं बनती। सतोप्रधान तब बनती है जब पारलौकिक बाप मनुष्य सृष्टि के बेहद के लौकिक बाप में प्रवेश करता है। दो नवंबर 1967 की वाणी का तीसरा पेज। कहते हैं दुख में स्मरण सब करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। सतयुग त्रेता में कोई बाप को याद करेगा क्या? कोई याद नहीं करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करते हैं। ब्रह्मा को भगवान भी नहीं कहते हैं, सिर्फ कहेंगे हे भगवान, हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे। वास्तव में जब दुनिया में सुख होता है तो किसको भी याद नहीं करते, वहां तो होता ही सुख ही सुख है, याद करने की दरकार ही नहीं। परंतु ये बात भी अभी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो इस समय तीन बाप हैं, भक्ति मार्ग में लौकिक पारलौकिक बाप को याद करते हैं, और सतयुग में सिर्फ लौकिक बाप को याद करते हैं, और संगम युग में तीनों बाप को याद करते हो। लौकिक भी है परंतु जानते हैं वो हद का बाप है, हद की प्राप्ति कराने वाला है, उनसे हद का वर्षा मिलता है। अभी तो हमको बेहद का बाप मिला है, जिसे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। और ये समझ की बात है, हद का वर्षा है एक जन्म का, और बेहद का वर्षा है स्पेशली 21 जन्मों का, और सामान्य रूप से 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। अभी बेहद का बाप आए हैं, ब्रह्मा के तन में हम बच्चों को बेहद का सुख देने के लिए आए हैं, परंतु अकेले ब्रह्मा से तो बेहद का सुख नहीं मिलता। तो जरूर ब्रह्मा भी प्रजापिता के साथ ऐड होना चाहिए, मात पिता दोनों ही चाहिए।
उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। उनको कहा जाता है बाप दादा। बाप किसको कहा जाता है, पहले बाप या पहले दादा? पहले बाप, बाद में दादा माने बड़ा भाई। तो बाप राम को कहा जाता है, दादा है कृष्ण की सोल। परंतु राम वाली आत्मा में भी अगर सुप्रीम सोल प्रवेश न करे तो उसकी पहचान किसी को नहीं हो सकती। कोई पहचानेगा नहीं ये प्रजापिता है, ये राम वाली आत्मा है। तो बाप कहते हैं वर्षा मैं तुमको देता हूं। ये जैसे डाडे का वर्षा मिलता है, मैं ही तुमको पढ़ाता हूं, ज्ञान मेरे पास है, इनके पास नहीं है। किनके पास? राम और कृष्ण के पास ज्ञान नहीं है, ना बाकी मनुष्यों में कोई ज्ञान है और ना देवताओं में ज्ञान है। मेरे में ज्ञान है, जो ज्ञान मैं तुम बच्चों को देता हूं, और ये ज्ञान भी रूहानी ज्ञान है। रूह का कनेक्शन 84 जन्मों से है और जिस्मानी ज्ञान का कनेक्शन सिर्फ एक जन्म की देह से है। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको ये पद मिल रहा है। ऐसे विचार सागर मंथन करना है। ये पॉइंट्स हम कैसे लिखें जो मनुष्य समझ जावे कि बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमपिता परमात्मा फिर से भारतवासियों को स्वर्ग बनाते हैं, स्वर्ग का राज्य देते हैं। राज्य था तो सही ना, कब था? इतनी सहज बात भी सभी भूल गए। तुमने ही राज्य पाया था और तुमने ही अब राज्य गमाया है। तो गायन है मन के जीते जीत और मन के हारे हार। तो मनुष्य की जाति कहे जाते हो ना, मनुष्य किसकी औलाद है? मनु की औलाद है। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे हो, वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को तो जीतना नहीं होता है। मनुष्य कहते भी है मन की शांति कैसे हो, बाप कहते हैं कि आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति हो। आत्मा को कहा ही जाता है कौन सा स्वरूप? आत्मा स्वयं ही शांत स्वरूप है। आत्मा जब शरीर में आती है तब नाना प्रकार के कर्म करने लग पड़ती है। बाप कहते हैं तुम अब स्वधर्म में टिको। स्व माने आत्मा, पर माने देह। देह पर धर्म है, आत्मा का स्वधर्म है। तो अपन को आत्मा समझो, देह मत समझो।
आत्मा का धर्म ही शांत है। इस आत्मा को जब ये ऑर्गन्स मिलते हैं देह के, तो आत्मा नाना प्रकार के कर्म करती है। जो कर्म श्रीमती के अनुकूल होते हैं उनसे ही सुख शांति मिलती है। और आत्मा जो मन बुद्धि वाली है, वो श्रीमत के वर खिलाफ जब मन मत पर कर्म करती है तो आत्मा शांत स्वरूप होते हुए भी अशांत हो जाती है। तो बताओ शांति कहां से ढूंढेंगे? शांति बाहर से मिलेगी क्या? इस पर रानी का मिसाल देते हैं। हार गले में पड़ा हुआ और ढूंढती थी बाहर। सन्यासी भी दृष्टांत देते हैं और फिर खुद जंगल में जाए शांति ढूंढते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, इसलिए अपन को आत्मा समझो और दूसरों को भी आत्मिक रूप में देखो। स्वयं को स्टार समझो, दूसरों के भी स्टार को देखो, देह को न देखो। तुम आत्माओं का घर है शांति धाम, जहां से तुम पार्ट बजाने आते हो। इस दुनिया में है देह का धर्म, परम धाम में देह होती है क्या? पांच तत्व होते हैं क्या? ये पांच तत्वों की दुनिया है। देह में पांच तत्व होते हैं, पांच तत्वों से देह का निर्माण होता है और देह में पांच विकार भर जाते हैं, देह में विकृति आती है। तब आती है जब आत्मा अपन को देह समझती है। अगर आत्मा अपन को देह न समझे, देह में लगाव पैदा न हो, देह के संबंधियों में अटैचमेंट न हो, तो आत्मा विकारी न बने। शरीर से कर्म करने पड़ते हैं, शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है, आत्मा न जाए दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए? आत्मा शरीर छोड़ती है तो वापस थोड़े ही आती है, परंतु मोह सताता है। वहां सतयुग में तुमको मोह नहीं सतावेगा, वहां पांच विकार होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते पांच विकार? क्योंकि वहां अपन को देह समझते ही नहीं है और दूसरों को देह के रूप में देखते ही नहीं है। रावण राज्य वहां नहीं होता है, वहां एक का राज्य होता है, एक धर्म होता है, एक मत होता है, उसे राम राज्य कहा जाता है। जरूर राम ने वो राज्य स्थापन किया होगा, या दो या दस ने स्थापन किया होगा। वो राम राज्य एक ने स्थापन किया या दो दस ने स्थापन किया? एक का राज्य होता है, एक ही धर्म होता है और एक ही प्रकार की सबकी धारणाएं होती हैं।
अभी तुम आस्तिक बने हो। रावण राज्य होता है तो मनुष्य थक जाते हैं, थक जाते हैं तो सुख भोग न सके। तुम तो त्रिकालदर्शी बने हो, मनुष्य तो बाप को नहीं जानते हैं, न जानने के कारण उनको नास्तिक कहा जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत विकारी बन जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग रावण से आता है। रावण को ही पांच विकार की निशानी, पांच शिष्य और पांच प्रकृति के शिष्य दिखाई जाते हैं। प्रकृति अर्थात जड़ बुद्धि वाली मंदोदरी, उदर माने पेट, मंद बुद्धि वाला पेट है। रावण मंदोदरी का सहयोग लेकर के कितना दुख पैदा करता है। मंदोदरी किसको कहा जाता है, हैं? मंद बुद्धि वाली उनको कहा जाता है जो भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के साथ खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं और फिर भगवान को नहीं पहचानते हैं, उनको मंद बुद्धि वाला पेट कहा जाता है। पेट कैसा है? मंद बुद्धि वाला है। मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं जानते, इसलिए रावण के शीश कहे जाते हैं। पांच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये मंदोदरी के पांच मुख हैं। ये पांच मुखों वाली मंदोदरी जब पांच विकारों के अंडर दी कंट्रोल आ जाती है, रावण पांच विकारों वाला है, भगवान राम को पंच विकारी भूत नहीं कहा जाता। राम है रावण को खलास करने वाला, इसलिए रावण है दुश्मन और राम है सज्जन। सज्जन माना सत्य, जन, जन माना मनुष्य, सत्य माना सच्चा। जो 100% सच्चा मनुष्य है वो ही राम कहा जाता है। राम के द्वारा ही राम राज्य स्थापन होता है। स्थापन करने वाला है निराकार। साकार में प्रवेश करता है। जिसमें प्रवेश करता है वो भी रावण की चक्करी में आ जाता है। सारी दुनिया ही तमोप्रधान बन जाती है। तो तमोप्रधान शरीर में आना पड़ता है। जब बहुत विकारी बन जाते हैं, इसलिए उनको रोचक बातें सुनाने के लिए गरुड़ पुराण में लिखा है कितनी कथाएं बैठ बनाई हैं, कुछ भी नहीं। आजकल गरुड़ पुराण कम सुनाते हैं, आगे बहुत सुनाते थे, अभी कम क्यों कर दिया है?
अभी झूठी बातें सुनाना कम क्यों कर दिया? क्योंकि अभी सच्ची बातें सुनाने वाला बाप आया हुआ है। पहले बहुत गरुड़ पुराण सुनाते थे ताकि मनुष्यों को डर रहे। अभी तुम समझते हो इस समय के मनुष्य मात्र बिच्छू टेंडन बन पड़े हैं जो एक दो को डसते रहते हैं। इसलिए सन्यासी तो भाग जाते हैं, वो तो हठयोगी है। जो हठयोगी है वो कब राजयोग सिखला ही नहीं सकते। राजयोग सहज योग है। भगवान के द्वारा सिखाए हुए सहज राजयोग को ऐसे हठयोगी भी जब सीखते हैं तो उसे कठिन बनाए देते हैं। क्यों कठिन बन जाता है? श्रीमत में मन मत या मनुष्य मत मिक्स करते हैं तो सहज राजयोग भी कठिन राजयोग बन जाता है। इसलिए वो राजयोग सिखला ही नहीं सकते। जो अच्छे बुजुर्ग हैं वो सन्यासियों को समझा सकते हैं कि तुम राजयोग नहीं सिखला सकते हो। क्यों? बुजुर्ग ही क्यों समझा सकते हैं? नौजवान क्यों नहीं समझा सकते? क्योंकि नौजवान खुद ही चंबे में आ जाते हैं, रावण के चंबे में आ जाते हैं। इसलिए बोला जो अच्छे अच्छे बुजुर्ग लोग हैं जिनके बारे में समाज में कोई ग्लानि फैली हुई नहीं है वो सन्यासियों को भी समझा सकते हैं। तुम्हारा धर्म बाद में स्थापन होता है। हठ योग और राजयोग में रात दिन का फर्क है। वो हठयोगी ही डुबोने वाले हैं। संगम युग में भी डुबोने की शूटिंग करते हैं और 5000 वर्ष के ड्रामा में 2500 वर्ष वहां भी डुबोने की डुबोने का काम करते हैं। तुमको बाप ऊपर ले जाने के लिए आए हैं। बाप ऊपर ले जाते हैं और वो गुरु लोग नीचे ले जाते हैं। संगम युग में भी शूटिंग होती है, बेसिक नॉलेज में भी शूटिंग होती है, डुबोने की और ऊपर ले जाने की। एडवांस नॉलेज में भी शूटिंग होती है। कोई डुबोने वाले हैं और कोई उठाने वाले हैं, कोई थमाने वाले हैं और कोई भगाने वाले हैं। इनको कहा जाता है राम रावण का युद्ध। इसलिए मुरली में पूछते हैं रावण कौन, जरूर कहेंगे ये गुरु लोग जो दूसरों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, खुद उल्टे रास्ते पर चलते हैं। तो देखो कितना फर्क है। अभी तुम बच्चे जानती हो शास्त्र आदि जो भी पास्ट हो चुके वो सब भक्ति मार्ग के हैं। अभी तुम तो ज्ञान मार्ग में आ गए। ज्ञान मार्ग का कोई मोटा ग्रंथ नहीं होता, कोई शास्त्र नहीं होता। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं, गले का हार बनाए सबको ले जाते हैं, पुकारते भी सब हैं। जो काम चिच्छा पर बैठ काले हो गए हैं उन्हों को ज्ञान चिच्छा पर बैठ बिठाए हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं। अभी तुम्हारा काम है पढ़ने से और दूसरी बातों में जाना नहीं चाहिए।
कैसे मरेगा, क्या होगा, इन बातों में हम क्यों जावें? ये तो है ही कयामत का समय। सभी हिसाब किताब चुक चुक करके वापस चले जावेंगे। सबका हिसाब किताब चुक चुक होगा। कोई का योग बल से चुक चुक होगा और कोई का धर्मराज की सजाओं से चुक चुक होगा। ओम शांति।